कि आपने विधायकों के अनुभव एवं नवाचारों पर विचार करने के लिए हम सबको प्रेरित किया। निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, आज जो नवाचार यहाँ पर होंगे उससे जो नए सदस्य यहाँ पर जीत के आए उनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन दुख की बात यह है अध्यक्ष महोदय कि हमारे प्रतिपक्ष के कुछ साथी जो नए भी हैं ये इस बात का विचार नहीं कर रहे हैं। जूली साहब, पूरे राजस्थान आपको देख रहा है, पूरे राजस्थान की जनता आपको देख रही है कि किस तरह आप नवाचार के दिन नए सदस्यों को सीखने नहीं दे रहे हो, आप इस तरह के कृत्य कर रहे हो जिससे राजस्थान शर्मसार हो रहा है। लेकिन अब भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि थोड़ा विचार करो और अपनी अपनी बेंचों पर जाओ। पहले अपने मैं जाओगे तब बात करूंगा। मैं एक 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 बात कहना चाहता हूँ, अनुभवों की कमी नहीं है। आप बोलिए, इनके नवाचार यही है, आप अपने नवाचार बताओ। मैं ही बोल रहा हूँ एक तो सब माइक ऊपर नहीं है, क्या करूँ मैं। अनुभवों की कमी नहीं है। यहाँ हमने कई मौसम बदलते देखे हैं, कभी सरकार बदलती देखी है तो कभी सरकार बदलते देखे हैं। अब गांव बदल जाए, शहर बदल गए, कुछ हम बदले, कुछ आप बदल जाए, बदलना ही है तो कुछ नजरिया बदल कर देखो, नेतागिरी वही है, कुछ अंदाज बदल कर देखो, यह है नवाचार, इस पर आप विचार करो। लेकिन आप ले देखे तो आपका पुराना सिस्टम उस पर चल रहे हो। अध्यक्ष महोदय, मुझे ध्यान है जब मैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति माननीय भैरव सिंह शेखावत साहब, जिन्होंने हमेशा जिनको हमेशा हमने अपना प्रेरणा का सूत्र माना है, और उन्होंने जब मैंने राजनीति की शुरुआत की थी, जब मैं निमाड़ा से विधायक बना, उसके पहले भैरव सिंह शेखावत साहब वहाँ से विधायक थे, और उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी और वो पूरे राजस्थान को भी वो कहते थे, इन्होंने तय करा इनको कि राजनीति में इनके नारे लगवाते रहे, दुश्मन पैदा मत करो, दोस्त पैदा करो। और उस रास्ते पर जितने नए विधायक हैं, मेरा उनसे निवेदन है उस रास्ते पर चलते हुए प्रयास इस बात का करो कि हमारे दुश्मन कम से कम हो। दोस्तों की संख्या बढ़ाओगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, नवाचार का मतलब क्या होता है? नवाचार का मतलब है नए विचार। अगर नवीनीकरण से हम देखें, अध्यक्ष महोदय, नवीनीकरण तो करना ही है, लेकिन जो नवाचार के साथ आचार जुड़ा हुआ है, उस आचार का मतलब यह है कि हमारा व्यवहार कैसा है जनता के साथ, हमारा व्यवहार कैसा है लोगों के साथ, हमारे क्रियाकलाप कैसे हैं, हमारा शिष्टाचार कैसा है। इन कांग्रेसियों के शिष्टाचार सीख गए तो तुम डूब जाओगे। इसलिए मेरा निवेदन है, सभी से अपील कर रहा हूँ कि अपने सीटों पे जाइए, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। अपने सीटों पे जाओ, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, अब जाइए। सबसे निवेदन कर रहा हूँ, अपनी सीटों पे जाइए, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। अपनी सीटों पर जाइए, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। एक मिनट, मेरे भाषण का क्या होगा सर? व्यवस्था वही दूंगा जो दी है।